हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आज यहाँ पर हम गणपति की कंठी बनाएंगे, मोती की माला बनाएंगे। यहाँ पे मैंने लिए है ये बड़ी साइज़ के बीड्स हैं, वाइट कलर के, और ये मीडियम साइज़ के हैं, इस तरह के। ये देखिए, ये बिल्कुल छोटी साइज़ के वाइट और गोल्डन बीड्स हैं। ये देखिए ऐसे, और ये नायलॉन का धागा है, और ये सुई है। ये देखिए इस तरह की, और ये एक छोटी साइज़ की है जो मोती में से निकल सके, इस तरह की सुई ली है। यहाँ पे हमें ये बड़ा मोती लेना है, और ये देखिए 5 छोटी साइज़ के मोती लगा लेने हैं, और ये भेड़ा इस तरह के। इसको हमें धागे के एंड में लेना है, देखिए इस तरह से। और ये देखिए, ये जो मोती हमने लगाए हैं इसमें से फिर से सुई निकाल लेनी है, इस तरह से। देखिए ऐसे, यहाँ पे धागे को खींचेंगे और पूरा टाइट नॉट लगा लेना है। 2 या 3 बार टाइट नॉट लगा लेंगे कि छूटे नहीं, इसके लिए ये सिक्योर नॉट लगा लेना है। देखिए इस तरह से ऐसे बनेगा। यहाँ पे ये बड़े मोती से सुई निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से यहाँ पे 5 छोटी साइज़ के मोती लगाएंगे इस तरह, और यहाँ नीचे से फिर ये बड़े मोती में से सुई को निकाल लेना है इस तरह से। फिर ये जो 5 मोती है अभी हमने जो लगाए, इसमें से फिर से सुई को निकाल लेना है यहाँ से। ये देखिए इस तरह से, फिर से ये मोती में से निकाल लेंगे ऐसे। और ये देखिए इस तरह, फिर ये मोती से सुई निकालेंगे सेंटर की। और ये देखिए, ये साइड में हमें यहाँ से 2 या 3 मोती से सुई निकाल लेंगे इस तरह भी। यहाँ पे पूरा टाइट नॉट लगाएंगे 2 या 3 बार, देखिए इस तरह से 2 या 3 बार ये नॉट लगा लेना है। ये देखिए ऐसे, इस तरह से। अभी ऊपर के 2 मोतियों से सुई निकालेंगे। यहाँ पे भी हमें 1 या 2 बार नॉट लगा लेना है, टाइट नॉट लगाएंगे इस तरह से। अभी हमें देखिए, ये ऊपर के मोती से सुई निकाल लेंगे, और यहाँ पे हमें धागों को कट करना है, देखिए इस तरह से। ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे हमें 24 पीसेस बना लेने हैं। ये देखिए, मैंने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 मोती लगा लिए हैं यहाँ पे, 12 मोती छोटी साइज़ के। यहाँ पे एंड में लेके ये देखिए, फिर से ये सभी मोती में से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे इसको खींच के नॉट लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से टाइट नॉट लगाएंगे। इस तरह यहाँ पे 2 या 3 बार पूरा टाइट नॉट लगाना है, सिक्योर नॉट लगाना है कि छूटे नहीं, इस तरह से ऐसे बनाएंगे। अभी ये 2 मोती से ये सुई को निकाल लेंगे
इस तरह से थोड़ा खींच के ये एंड का धागा कट करेंगे। इस तरह यहाँ पे बड़ा मोती लेके, देखिए जो रिंग बनी है इसके अंदर में, इस तरह यहाँ ऊपर का जो सेंटर का मोती है, देखिए ऐसे यहाँ से निकालेंगे सुई को, इस तरह से ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे बाजू की दो मोतियों से निकाल लेना है, देखिए इस तरह बाजू के दो मोती से निकाल लेंगे। यहाँ पे एक गोल्डन मोती लेंगे और ये देखिए इस तरह यहाँ से जहाँ से हमने सुई निकाली है वहीं के पीछे की साइड से सुई को निकालेंगे, साइड के मोती से निकालेंगे। और ये देखिए एक मोती लेंगे, ये देखिए इस तरह जहाँ से हमने सुई को निकाली है वहाँ से, और उसकी बाजू का जो मोती है ये देखिए इस तरह से दूसरे मोती से सुई निकालेंगे। अब जहाँ पे मैंने सामने अभी ये सुई निकाली है, ये देखिए धागा निकाला है, वहाँ पे हमें एक मोती लगा लेना है, ये देखिए इस तरह। फिर ये जो उसी वाइट मोती में से, ये देखिए उसकी राइट साइड से और साइड का एक मोती, इस तरह से दो मोतियों से यहाँ निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह एक मोती लेंगे और ये देखिए फिर से उसी मोती में से, और ये जो बाजू का उसके मोती है यहाँ से निकाल लेंगे सुई को, इस तरह। इसी तरह हमें बना लेना है, देखिए एंड में ये जो पहला मोती है उसके नीचे के मोती से इसको धागे को निकाल लेना है सुई को, देखिए इस तरह। भी यहाँ पे हमें ये जो हमने ये जो राउंड बना लिया है गोल्डन का, वो सभी गोल्डन मोतियों से धागे को निकाल लेना है इस तरह, ये देखिए ऐसे। इस तरह से ये धागे को पूरे ये मोती में से निकालेंगे, इस तरह से सभी गोल्डन मोतियों से निकाल लेना है, इस तरह बनेगा, ये देखिए ऐसे। यहाँ पे ये दो छोटे गोल्डन है और सेंटर में ये मीडियम साइज का मोती लगाया है। अभी ये देखिए जहाँ पे हमने ये मोती लगाए हैं उसी मोती में से धागा निकाल के लेंगे, सुई निकालेंगे इस तरह। फिर से ये चारों मोती में से सुई को निकाल लेना है, ये देखिए इस तरह से ऐसे। यहाँ पे जो हमने मोती लगा लिए ये सभी मोती में से सुई को निकाल लेंगे इस तरह से। अभी यहाँ पे हमें नॉट लगा लेना है, देखिए इस तरह दो या तीन बार टाइट नॉट लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह बना के ये देखिए बाजू के मोती से निकाल के कट करेंगे, इस तरह बनेगा ये पेंडेंट। ये देखिए इस तरह का फ्लावर बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे 90 सेंटीमीटर का धागा लगा लिया है सुई में, और इसमें हमें ये देखिए ये जो मोती है इसको लगा लेना है। यहाँ पे 8 या 10 सेंटीमीटर छोड़ के ये मोती को इस तरह से हल्का सा नॉट लगाना है, इसको हमें छोड़ना है बाद में। यहाँ पे ये 25 मोती लगा लेने हैं। अभी हमें दो छोटे गोल्डन लगाने हैं और सेंटर में ये मीडियम साइज़ का, फिर ये फ्लावर लगाएंगे, फिर एक गोल्डन एक मीडियम साइज़ का मोती, और फिर से ये गोल्डन इस तरह से, ये देखिए ऐसे लगा के
फिर से ये जो फ्लावर बनाए हैं छोटे, इसमें लगा लेना है इस तरह से, देखिए ऐसे। फिर से यहाँ पे हमें दो गोल्डन और सेंटर में, ये देखिए इस तरह। फिर से ये रिपीट करते जाना है। इसी तरह से यहाँ पे हमें 12 फ्लावर्स लगा लेने हैं। देखिए यहाँ पे दो गोल्डन और सेंटर में मीडियम मोती, फिर फ्लावर है, फिर दो गोल्डन और सेंटर में मोती है, इस तरह से ये लगाते जाना है। ये देखिए इस तरह से, पहले यहाँ पे मैंने 12 लगा लिए हैं। अभी यहाँ पे ये फिर से दो गोल्डन और सेंटर में मीडियम मोती लगाएंगे। और ये जो पेंडेंट बनाया है ये देखिए, इसकी ऊपर की, ये देखिए इस तरह से, ये ऊपर का मोती है, इसमें से सुई निकालेंगे इस तरह से। फिर से दो गोल्डन मोती और सेंटर में ये मीडियम मोती लगाना है। यहाँ पे फिर से फ्लावर लगाएंगे। और ये देखिए ये जो हमने यहाँ पे बना लिए हैं उसी तरह से यहाँ पे भी बना लेने हैं इस तरह से, ऐसे बना के लेंगे। इसके आगे में फिर से ये 25, ये देखिए मीडियम साइज़ के मोती लगा लेने हैं। अभी ये जो हमने मोती लगाया था इसको छोड़ेंगे, देखिए इस तरह से ऐसे यहाँ पे नॉट लगा लेना है, पूरा टाइट नॉट लगा लेना है इस तरह से, दो या तीन बार टाइट नॉट लगा लेंगे। यहाँ पे हमें पूरा टाइट और सिक्योर नॉट लगा लेना है, ये देखिए इस तरह से। यहाँ से सुई को निकालेंगे हम इस तरह से, और थोड़ा खींचेंगे ये नॉट अंदर जाए, फिर ये दोनों धागों को कट करना है इस तरह से, इस तरह यहाँ पे कट करेंगे। और ये देखिए ये कंठी बन गई है। ये जो कंठी है ये 35 सेंटीमीटर की हो गई है, ये देखिए इस तरह की बहुत लंबी हो गई है, बड़ी। आप छोटी साइज की चाहिए तो आप ये जो हमने फ्लावर बनाए हैं इसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। और ये जो धागा मैंने लगाया था इसमें, ये 90 सेंटीमीटर का धागा लगाया था। जितनी हमें कंठी या फिर कोई बनाना है हार, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेंटीमीटर है, यहाँ ज़्यादा रखें। ये देखिए इस तरह से ये कंठी बन गई है। कैसे लग रही है आपको?